सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के रोग व वायरस का अटैक होता है। उन्हीं के कारण पिछले साल सोयाबीन की फसल एक दिन में ही पीली पड़कर पूरी तरीके से खराब हो गई थी। पिछले साल कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन में बिना फलियां आए ही फसल सूख गई थी, और अगर फलियां आ भी गई थी तो उनमें बिना दाना भरे ही सोयाबीन पीला पड़कर सूख गया था। कुछ लोगों का मानना था कि पिछले साल सोयाबीन की फसल अम्ल वर्षा और फंगस के कारण खराब हुई थी, लेकिन असलियत में पिछले साल सोयाबीन की फसल स्टेम फ्लाई के कारण खराब हुई थी। उसके अलावा पीला मोज़ेक वायरस से भी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो किसान भाइयों, मैं हूँ रामलाल धाकड़, आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की खेती में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे सोयाबीन में स्टेम फ्लाई से बिल्कुल भी नुकसान ना हो और पिछले साल के जैसे सोयाबीन की फसल से बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेम फ्लाई के बारे में कि स्टेम फ्लाई क्या है, ये किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और हम स्टेम फ्लाई को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेम फ्लाई एक प्रकार की मक्खी होती है जिसे तना मक्खी के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी फसल में स्टेम फ्लाई का अटैक होता है तो पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है और आप पौधे को उखाड़ कर उसके तने को चीर कर देखते हो तो आपको तने के अंदर एक छोटी सी इल्ली दिखाई देगी और यह इल्ली पौधे के जाइलम को पूरी तरीके से ख़राब कर देती हैं। अगर इनिशियल स्टेज में इसका अटैक हो जाता है तो यह आपकी 90% फसल को ख़राब कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसका अटैक किस प्रकार से होता है। तो सोयाबीन की फसल एक बहुत ही सेंसिटिव फसल होती है। अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश नहीं होती है तो सोयाबीन के अंदर का जाइलम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और तभी सोयाबीन में स्टेम फ्लाई का अटैक होता है। स्टेम फ्लाई एक काले रंग की मक्खी होती है जो पौधे पर अंडे देती हैं, फिर अंडे से इल्ली बनती हैं और इल्ली का समय पूरा होने के बाद यह इल्ली संखी बनती हैं और फिर पौधे के तने के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और फिर संखी से फिर से मक्खी बनकर तने से बाहर निकल जाती हैं। स्टेम फ्लाई एक बार में 14 से लेकर 64 अंडे तक दे सकती हैं। अगर इसके लिए मौसम अनुकूल रहे, बारिश ना हो, तो यह 64 अंडे तक भी दे सकती हैं। अंडा देने के 3 दिन बाद अंडे से इल्ली बनती हैं और इस इल्ली का समय अंतराल 7 से 12 दिनों तक होता है। इन्हीं 7 से 12 दिनों के अंदर यह पौधे के जाइलम को पूरी तरीके से ख़राब कर देती हैं। उसके बाद यह पौधे के तने के अंदर एक छेद बनाकर उसके अंदर संखी के रूप में बैठ जाती हैं। फिर 5 से 9 दिनों तक यह संखी के रूप में रहती हैं। उसके बाद यह फिर से मक्खी बनकर तने के बाहर निकल जाती हैं। अगर हम टोटल बात करें तो स्टेम फ्लाई का अटैक 15 से 24 दिनों के बीच में होता है, यानी कि 15 से 24 दिनों तक स्टेम फ्लाई पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे करें। इसमें क्या होता है कि हमारे किसान भाई गलती कर देते हैं। जब इसका हैवी अटैक हो जाता है, जब पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, तब इसकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। जब पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं तब आप किसी भी दवा का स्प्रे करोगे तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधे में पोषक तत्वों का संचरण करने का काम और किसी भी दवा को पूरे पौधे में फैलाने का काम जाइलम करता है और स्टेम फ्लाई सबसे पहले जाइलम पर ही अटैक करती हैं। इसलिए अगर पत्ते पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका उपचार पहले से ही करना होगा। आपको मक्खी के अंडे देते समय ही इसको कंट्रोल करना होगा, तभी बाद में स्टेम फ्लाई का अटैक नहीं होगा। स्टेम फ्लाई का पूरा समय अंतराल 15 से 24 दिनों तक होता है। इसका मतलब पौधा पीला पड़ने के 15 से 24 दिन पहले ही सोयाबीन में स्टेम फ्लाई का अटैक हो चुका होता है। सोयाबीन की फसल जब बुआई के 10 से 30 दिनों के बीच की होती है तभी स्टेम फ्लाई अंडे देती हैं, तभी हमें इसकी रोकथाम करने के लिए स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। आपको इस समय अंतराल में 2 बार स्प्रे करने पड़ते हैं। पहला स्प्रे 10 से 15 दिनों के बीच में और दूसरा स्प्रे 25 से 30 दिनों के बीच में।
इन स्प्रे में आप लेमरासाइलोथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिनोफ्रिड, थायोमेथोक्सिम, बाइफेंथ्रिन, बेटा साइक्लोथ्रिन, इनमें से किसी भी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कीटनाशक से बीज उपचार करते हैं तो भी 25 दिनों तक आपकी फसल में स्टेम ब्लाइट का अटैक नहीं होता है। इसके लिए आप थायोमेथोक्सिम 30 FS का प्रयोग 3 ml प्रति किलोग्राम, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग 8 ml प्रति किलोग्राम, या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS का प्रयोग 3 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से पहले से ही उपचार कर देते हैं तो आपकी फसल में स्टेम फ्लाई का अटैक होने का 90% चांस कम हो जाएगा और आप स्टेम फ्लाई से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की स्टेम फ्लाई के बारे में। अगले वीडियो में हम डिटेल के साथ पीला मोज़ेक वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।